भागलपुर जिला अंतर्गत सनहोला में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है। शनिवार की रात जिले के सनहोला मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मां दुर्गा, श्री राम, सीता, राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया है। मूर्तियों के जेवर और गहने को चुरा लिया गया। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। इलाके में तनाव फैल गया है। घटना से गुस्साई भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। स्थिति अनियंत्रित होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने बवाल कर दिया। उन्होंने गोघा सनहोला मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने एक असामाजिक तत्व को दबोच लिया है। मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक विक्षिप्त है। वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अफवाह न फैलाने की अपील की है। मौके पर अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल, सीआईएटी कमांडो, दंगा नियंत्रण बल की तैनाती की गई है। गोगा सनहोला मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर सड़क जाम किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाने का प्रयास किया तो भीड़ और भी उग्र हो गई। जब पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया तो भीड़ की ओर से भी पत्थरबाजी होने लगी। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। मंदिर के अंदर टूटी मूर्तियां रखी हुई हैं व कई मूर्तियों के टूटे हुए हिस्से भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मौके पर कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह व एसडीओ अशोक मंडल भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि देर रात मंदिर में असामाजिक तत्वों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। सुबह जब लोग पूजा करने गए तो मंदिर को दो मंजिलों पर स्थित मां दुर्गा, श्री राम, सीता, राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को खंडित पाया। धीरे धीरे जब इसकी खबर लोगों को लगी तो लोग आक्रोशित हो गए। घटना को लेकर प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे थाने के पीछे स्थित मंदिर में असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिस वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस के लिए चुनौती भी बढ़ गई है। ऊपर में कोई आदमी है तो गए तो वहाँ पे देखें कि वो जो है वो मंदिर को राधा जो है ना वो तोड़ रहा था। दुर्गा महारानी का मंदिर पहले तोड़ दिया था, राम दरबार में तोड़ रहा था। तो ये कुछ पकड़ने के लिए कोशिश किया, काहे तोड़ता है, तो इसका कालर पकड़ा। हमको बताएं, वो बोला और ज्यादा करेगा तो सब मंदिर तोड़ देगा। उसके बाद फिर भाग गया। कौन था वो? नाम नहीं पता चला। नाम नहीं पता। कितने बजे घटना हुई? 3:30 बजे का। सीसीटीवी है यहाँ लगा हुआ? सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। सूचना आई एक असामाजिक व्यक्ति के द्वारा एक दुर्गा मंदिर पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। सो इसी संबंधित तुरंत पुलिस बल घटनास्थल के पहुंच के निरीक्षण किया गया है। उस संबंधित उधर पुजारी को भी पूछताछ किया है। इसी क्रम में पता चला है कि एक व्यक्ति नाम मोहम्मद शबास, इनके द्वारा ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत संबंधित शामिल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। इसी चीज लेके कुछ लोगों को द्वारा सड़क जाम किया गया है। अभी उनको हटा दिया गया है। अभी विधि व्यवस्था और यातायात सामान्य है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितनी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया? इसमें अभी एक से दो मूर्ति का क्षतिग्रस्त किया गया है। उसमें अभी निरीक्षण देखने के लिए हम जा रहा हूँ। लाठीचार्ज भी सर हुआ? कोएर्सिव एक्शन नहीं हुआ है, उनको हटा दिया। थाने पर भी पथराव हुआ है सर, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसी बारे में हम जांच करेंगे। अभी हम आ गए हैं, हम घटनास्थल देख के अग्रतर कार्रवाई करेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी पर अपराधियों ने अचानक फायरिंग कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस शराब तस्करों के विरुद्ध छापेमारी करने जा रही थी, उस वक्त यह घटना घटी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपराधियों को धर दबोचा। वहीं दो अन्य अपराधी एक देशी कट्टा और एक फायर की हुई गोली फेंक मौके से अंधेरी का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पकड़ाए युवक की पुलिस के द्वारा तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा और एक फायर किया हुआ एक गोली का खोखा मिला है। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के गुसाई दासपुर गांव निवासी कुंदन कुमार के रूप में की है। वहीं पुलिस ने फरार अपराधियों की पहचान गुसाई दासपुर निवासी ललन यादव और बंटी यादव के रूप में की है। पुलिस ने उक्त तीनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है।
भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय के जीविका कार्यालय के समीप देर रात पुलिस ने खून से लथपथ अवस्था में बाइक बरामद किया है। वहीं मौके पर पहुंचकर भागलपुर डीएसपी राकेश कुमार टू डॉग स्क्वाड मधुसूदनपुर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। हालांकि अज्ञात बाइक सवार कहां क्या किसी को पता नहीं चल सका है। सूचना पर गायब व्यक्ति की पत्नी और बेटी ने बाइक और चप्पल की पहचान की है। बाइक सवार व्यक्ति मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर की ओम जयप्रकाश सिंह है। वहीं जयप्रकाश सिंह की पत्नी ने बताया कि जमीन विवाद में गांव के ही 5 लोगों पर मारपीट कर जान से मारने की घटना का सनहा पति द्वारा दर्ज कोर्ट में 16 तारीख को कराया गया था और 18 तारीख को मेरा पति गायब है। सूत्रों के मुताबिक जयप्रकाश सिंह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। 8:30 बजे उनको फ़ोन किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, लेकिन वह घर नहीं पहुँचे। तब उनके करीबी लोगों को सूचना मिली कि लवारिस अवस्था में खून से लथपथ बाइक पुरानी सराय के समीप मिला है, लेकिन बाइक सवार गायब है। मधुसूदनपुर थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम छापेमारी कर मामले की जांच कर रही है। शाम में यहाँ से गए, बोले मार्केट जा रहे हैं और गेहूं था तो गेहूं लेके गए, बोले बेच के मतलब सब्जी उब्जी भी लेके उधर से आएंगे। तो 7 बजे के लमसम कॉल किए तो रिसीव नहीं किए, और उसके बाद जब कॉल किए तो स्विच ऑफ बताने लगा। अभी क्या लग रहा है, अभी क्या मिला? अभी कुछ मिल ही नहीं, पता ही नहीं है। अभी क्या क्या चीज मिला है? लुंगी मिला है, बाइक है, चप्पल है और ब्लड उसमें लगा हुआ है सारा, और पापा का पता नहीं है कुछ। भागलपुर के सनहोला में प्राचीन शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्थानीय लोगों के द्वारा थाने का घेराव किया गया था एवं कई पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही सनहोला बाजार में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कहलगांव एसडीपीओ ने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। आपको बता दें कि मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें अभियुक्त के देखिए गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं, बट शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल रहे उसके लिए हम लोग फ्लैग मार्च का आयोजन किए हैं, और फ्लैग मार्च अभी चल रहा है। कुछ जगहों पर हम लोग पुलिस बल को भी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह की भविष्य में भी अनहोनी किसी भी तरह की न हो। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के डीवीसी कॉलोनी मोड़ के समीप एक बढ़ई मिस्त्री को लोगों ने बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मायगंज अस्पताल में मौत हो गई। उनके परिवार से मिलने जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अपने सदस्यों के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उसके परिवार की देखरेख करने के लिए उनके यहाँ कोई नहीं है। महज 8 महीने के बच्चे के साथ पीड़ित महिला अकेली घर में रह रही है। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक सामाजिक अपराध है और हम लोग इस पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संजय शर्मा की हत्या भी शक के आधार पर की गई है, जो पूरे अंग क्षेत्र के लोगों के लिए एक शोचनीय विषय है। आज संस्था के द्वारा पीड़ित की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 21,000 तत्काल आर्थिक मदद तथा 1,000 प्रतिमा 1 साल तक कानूनी मदद, साथ ही साथ उनके एवं उनके बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी भी संस्था के द्वारा ली गई है। अजय कुमार सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि संजय शर्मा की हत्या मॉब लिंचिंग के द्वारा की गई है, तो आंध्र प्रदेश की जनता का दायित्व तो बनता है कि उन्हें आर्थिक सहयोग कर उनके परिवार को एक मजबूती देने का काम करे। धरती के लिए इस तरह से इनके पति को की हत्या कर दी गई एक चोरी के आरोप में। यदि चोरी किया भी गया है तो उसका जो कानूनी कार्रवाई होता है वो होता है, ना कि किसी की हत्या। तो ये मॉब लिंचिंग का केस है, और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना में स्नेक बाइट से इत्यादि, और साथ में मॉब लिंचिंग के लिए हम लोग काम करते हैं कि कोई भी भीड़ में हत्यारा का रूप नहीं ले। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, और भीड़ को सोच समझ के ही करना चाहिए, बल्कि उसको मदद के लिए करना चाहिए, ना कि इस तरह से किसी को पिटाई करके हत्या करनी। तो बहुत दुखद है, मैं बाहर था, हमारे सोसाइटी के सदस्यों ने फोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, हम लोग यहाँ आए और हम लोग देख रहे हैं कि इनका छोटा सा बच्चा है और अकेली यहाँ रहती है, और इसके पति उसका बढ़ई का काम करता था, अब इसका कोई गुजर बसर करने वाला नहीं है। तो हम लोग अभी तो प्रथम फेज में यहाँ आए हैं, और अभी हम लोगों ने 21,000 रुपये का मदद किया। साथ ही हम लोग
इसके बच्चे का हम लोग पूरा इलाज का जिम्मा लेते हैं और इसकी जो विधवा पत्नी है उसको भी जो भी अगला डिलीवरी होने वाला है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि मुफ्त इसका सारा हम लोग करवा दें, कोई भी दवा दारू खर्च नहीं हो। और इसके साथ ही हम लोग यदि ये काम करना चाहेगी तो हम लोग इसको काम कहीं ना कहीं हम लोग दिलवाएंगे।